सिद्धार्थ गुप्ता जिंदाबाद, कृष्णा गुप्ता जिंदाबाद। बेटा जेडे तेने मुकाबले जीते ने किस तरह दे सी सख्त मुकाबले सी किस तरह दे सी किस तरह दा सी खेड्या हैगा वर्ल्ड चैंपियनशिप सी ता करके बहुत टफ सी दा ते मैं भी ओथे अपना वधिया प्रदर्शन कीता ता तो फाइनल एक किस दे नाल तुहाडा मैच सी ते किवें तुसी जीते फिर उस मेरा पहला फिनलैंड नाल सी फिर मेरा टर्की नाल सी जी ते फिर थर्ड मेरा सर्बिया नाल सी जी अज तुसी आए हो स्वागत हो रहा है इस्लाम वासियों वल्लों अग्रवाल सभा वल्लों किस तरह लग रहा है बहुत वधिया लग रहा है कि इन्ना सब ने मेरे लिए इन्ना कुछ किया होर नौजवान खिलाड़ी नु की स्नेहा देना चाहोगे कि बस सारे गेम्स नाल जुड़न अपना गेम्स नाल फोकस करन ते देश दा नाम रोशन थैंक यू जी अग्रवाल सभा सारे जी सांझी सभा है इन्ना ने इन्ना मान दिता है इस बच्चे नु किन्नी की खुशी महसूस हुई जल्दी मेरे तो बोलिया ही नहीं जाता इन्नी खुशी महसूस हो रही है भावुक हो गए ने तस्वीर तुम देख रहे हो किस तरह जो कि भावुक हो गए ने रिश्ता गुप्ता दादा जी सो गल नहीं हो पा रही इस बच्ची का सलाम पहुँचने पर निघा स्वागत हो रहा है अज अगर अगर सैंट चौंक के बड़ी गिनती के शहर वासी वो वेलकम वास्ते खड़े है सो तो साढ़े शहर वासियों वास्ते जितने माण की गल है उत्थे मैं इस परिवार को उन्होंने कोच साहबाना लख लख मुबारकबाद दिना जिन्होंने एक छोटी जी उम्र के इस बच्ची ने इस मुकाम पर पहुँचाया तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के बच्ची पूरी दुनिया के साडे सुनाम का होर भी नाम रोशन करूगी जिस तरह पहला लड़कियों इदा के मुकाम के बारे सोचा नहीं जा सकता सी पर अज असी देखिया साढ़े पंजाब दियाँ जां साढ़े हिंदुस्तान दे बच्चियां चाहे वह एजुकेशन की गल हो चाहे स्पोर्ट्स की गल हो बहुत अगे आ रही ने ये एक एग्जाम्पल है साड़ी दीक्षा जी इंडिया वालों खेड के इटली दे जाके मैडल प्राप्त करके साढ़े शहर का नाम रोशन करिया सो मैं सारे शहर वासियों वालों इस बच्ची को मुबारकबाद दिना तो सारे परिवार को लख लख बधाई समाज सेवी संदीप जैन जी जुड़े ने जैन साहब किस तरह देख रहे हो एक इस धी ने दिशिता गुप्ता जिसकी उम्र अजे बहुत ही छोटी है जिसने इटली दे जाके जी चैंपियनशिप जीती है और ब्रॉन्ज मैडल भारत की झोली पाया किस तरह देख रहे हो इस सारी चीज़ में ये निका आनंद जी असं ये समझते हैं साढ़े अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा नाम पेश किया बच्चे ने इन्ने छोटे बच्चे ने साढ़े सुनाम का नाम रोशन किया जिदे एड्डी वड्डी इटली दे विच जाके बच्ची ने और फिर लड़की होंदे हुए एड्डी वड्डी गेम उन्हें जित के थर्ड मैडल लेके आई है साढ़े सुनाम वासियों इस चीज़ की और बच्चे लख लख बधाई है जी जैन साहब लगता नहीं कि जिस हिसाब नाल एक लड़की ने यह इन्ना मुकाम हासिल किया और नवी जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है जेडे कहिंदे ने भी भ्रूण वर्गियां जिहड़ियां बहुत ही गलत जिहड़ी प्रथा अपने इंडिया दे विच चली सी उस दे मुँह ते चपेड है उस गलत प्रथा दे उपर इस कुड़ी ने मारी कि धीआं किसी तो घट नहीं एक तो बहुत वधिया जिहड़ा मैसेज है दिता गया बिल्कुल सही कह रहे हो तुसीं इह चीज़ां पुरानियां हो चुकियां अज इह चीज़ां दा समां नहीं हैगा साडिया लड़के भी लड़कियां भी लड़कियां तो घट नहीं है ये उर तो इस चीज़ बच्चे ने रिश्ता गुप्ता ने साबित किया है और एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मतलब समाज लिए दिता समाज लिए बहुत बड़ा मैसेज पेश किया है बच्ची ने बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इटली का जो खिडारी इंटरनेशनल पद्धर से मैडल लेके आता है तो वो कोच की तो बहुत खुशी की गल होती है तो बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता अग्रवाल सभा के प्रेजिडेंट फुटबॉल क्लब एसोसीएशन से लॉयन क्लब का जिन्होंने पहुँच के उरे मेरे जो बच्चे का वह माण बधाने लिए समारोह रखा इस तरह खिडारियों का मान सम्मान बदलना चाहिए या कले बच्चे मैं तो कहना भी हर एक गेम के खिडारी का जो मान सम्मान इस तरह बदलना चाहिए चैनल
सर किवें देख रहे हो अज सुनाम की इस धी ने पूरे भारत का नाम रोशन किया, भारत के नाल सुनाम का भी नाम रोशन किया कि वह ब्रोंज मैडल लैके जी इटली के चैंपियनशिप हुई है जित के अज सुनाम परत रही है, किवें देख रहे हो सर जी? इशिता गुप्ता के परिवार को सब तो पहला बहुत बहुत बधाई, उस तो उपरंत सुनाम वासियों को, पंजाब वासियों को, प्रदेश वासियों वास्ते बड़े माण की गल है कि एक सुनाम की गुड्डी ने इंटरनेशनल पद्धर से किक बॉक्सिंग इटली ब्रोंज मैडल जितया, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जिवें हाल ही तुम देखा होना हर दूजे हफ्ते अपन कोई ना कोई खुशखबरी सुनाम दियां बच्चियां दे रही ने, तो जदों अपनियां बच्चियां अपनियां लड़कियां कोई वड्डे पद्धर से कोई मुकाम हासिल कर दिया तो ये वैसे अपन बहुत खुशी होंगी है। एक अच्छा संकेत है कि जड़िया अपनिया लड़कियां ने ते अपनिया औरतां ने वो हर खेत्र च मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के अगे वध रही ने, ते एक अपने समाज वास्ते अपने देश वास्ते बहुत माण वाली गल है।